अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माई तो इतने शोर में भी घोड़े बेचकर सो रही है। अब मुझे सुबह तक का ही इंतजार करना होगा। माई अभी तक सो रही है? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? माई, माई, हाँ हाँ बस मैं सुनवाई के लिए निकल ही रही हूँ। हेलो, हेलो दादी जी, अप्सरा कोर्ट के लिए निकल चुके हैं जी। हे खाटू महाराज, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। आज आज कैसे भी करके निहार जी के बेगुनाही साबित हो जाए बस। रचिता और पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अप्सरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मिस्टर शर्मा, क्या आपके पास निहार गोयल को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत है? सॉरी सर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ढूंढोगे तो मिलेंगे ना सबूत, या आपने भी पैसे खा के अपना मुंह बंद कर लिया? ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर निहार, साइलेंस। सबूतों के अभाव में ये अदालत मिस्टर निहार गोयल को मुजरिम करार नहीं है। मेरे निहार जी बेगुनाह है और सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूं। जज साहब, ललिता जी की हत्या नहीं हुई है। ललिता जी बिल्कुल ठीक और जिंदा है और इस वक्त इस बोरी में बंद है। इंस्पेक्टर, इस बोरी को खोल के देखिए, क्या है इसमें? यस सर। आई एम सॉरी जस्ट साहब, मैं ऐसे लेकर आई हूँ ललिता जी को, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे डर था कि ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए मैं इनको ऐसे बोरी में बंद करके लेके आई।
लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस बोरी में तो ललिता जी थी, फिर तुम कैसे आई? हाय दया, पहले तुम्हारे पति ने मेरे माई को मार डाला, अब तुम मुझे मारना चाहती हो? सब सर ने उस एक्सीडेंट के टाइम में कुछ किया। ओए, बाहर निकल। भैया, अरे भैया, भगवान में लेट क्यों हो रहे हो? प्लीज शांत हो जाइए। मैंने देखा था आप भी गलत साइड से आ रहे थे, सिर्फ उनकी गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन जल्दी निकालो। रुचिता जी, आपने कोर्ट को मजाक समझ रखा है क्या? पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक आप मोबाइल में सबूत लेकर आई थी, तब भी कुछ नहीं निकला, और आज यहाँ इस बोरी में पीड़ित की बहू को लेकर आई हैं। क्या चल रहा है ये सब? कोर्ट का समय बर्बाद करने और नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में मैं आपको जेल भेज सकता हूँ। नहीं जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, ललिता जी जिंदा है, इस बोरी में वही थी। इस अप्सरा ने कुछ किया है जज साहब, इस अप्सरा ने कुछ किया है जज साहब। पहले इन्होंने मिलके मेरी माई को मार डाला, अब ये मुझे भी मारना चाहते हैं। जज साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए, जज साहब मुझे इंसाफ दिलाइए। जज साहब, ये झूठ बोल रही है, मुझे सच साबित करने का एक मौका दीजिए, मैं सच साबित करके रहूंगी। ये अप्सरा झूठ बोल रही है जज साहब, झूठ बोल रही है ये। योर ऑनर, कितने और मौके दिए जाएंगे खूनी की पत्नी को? रुचिता जी यहाँ कोर्ट में झूठ पर झूठ बोले जा रही है, और ये मिस्टर निहार गोयल अपना गुनाह कबूल करने को तैयार ही नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने मेरी क्लाइंट अप्सरा जी की सास का खून ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने और भी बहुत से गुनाह किए हैं। योर ऑनर, मिस्टर निहार गोयल ने पहले खुद अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल किया था, और फिर अदालत में सुनवाई के दौरान अपने बयान से बदल गए। योर ऑनर, इतना ही नहीं, मिस्टर निहार चाहते थे कि मेरी क्लाइंट अप्सरा जी उनकी पत्नी बन के रहे, और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो योर ऑनर उन्होंने निहार जी ने अप्सरा को बहुत मारा पीटा। ये रहे उसके सबूत। ये झूठ बोल रही है जज साहब, मेरे निहार जी ऐसे कभी नहीं कर सकते। वो किसी औरत पे हाथ उठाना तो दूर किसी का अपमान भी नहीं कर सकते। जज साहब, झूठ बोल रही है ये सब झूठ है। जज साहब, रुचिता बिल्कुल सही कह रही है, मेरा पोता ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। रोनर, इतना ही नहीं, इन्होंने धोखेबाजी से अप्सरा जी की सास का बेटा बनकर उनके गांव की जमीन हड़पने की कोशिश भी। योर ऑनर, अप्सरा जी के पति जब इन्हें आग से बचाने के लिए गए तो इन्होंने उनके पति को आग में झोंक दिया, और इसीलिए इन्होंने एक नहीं योर ऑनर बल्कि दो दो लोगों को मौत के घाट उतारा है। और इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे आदमी के लिए मौत से कम कोई सजा हो ही नहीं सकती। ये सब इल्जाम गलत है, सब बेबुनियाद है। जज साहब, इसमें कोई सच्चाई नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने निहार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जज साहब, अब बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारा सच लेकर आऊंगी, सब साबित करूंगी। जज साहब, आप मुझे एक मौका दीजिए मुझे, प्लीज। हाँ जज साहब, मेरा पोता बिल्कुल निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए जज साहब, छोड़ दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कोर्ट की गरिमा को बनाए रखिए। रुचिता जी, आपको दो मौके दिए गए,
आपने दोनों गवा दिए। अब केस आईने की तरह साफ है। तमाम सबूतों, गवाहों और वकील साहब के तर्क को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि निहार गोयल जैसे लोग इस समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। लिहाजा ये अदालत निहार गोयल को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। ही शुड बी हैंग टिल डेथ। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे निहार जी ने कुछ नहीं किया है। जज साहब आप इतनी बड़ी फांसी जैसी सजा कैसे सुना सकते? जज साहब मेरे निहार जी ने कुछ नहीं किया है। जज साहब मेरी बात तो सुन। जज साहब प्लीज एक मौका दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। मैं सबूत ला के दूंगी आपको। कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।